Hello, what's up guys, my name is Vinod Bhatu Thapa and today in this video we will see how to use command prompt in Hindi. So let's begin. जी हाँ guys, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम command prompt को कैसे यूज कर सकते हैं और ये हमारे लिए इतना यूजफुल क्यों होता है. तो चलिए guys शुरू करते हैं. सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस. और आपको राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े. तो गाइस सीएमडी यूज करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें आपको सिर्फ, मैं अब फिलहाल अभी अपने विंडोज 10 पे वर्क कर रहा हूँ तो आपको विंडोज की प्रेस करना है. यहाँ पे आपको लिखना है CMD, ठीक है. इस तरीके से देखिएगा CMD मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाता है, ठीक है. तो ये होता है एक तरीका इसको ओपन करने का. ऐसे नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, विंडोज की प्लस आर, अगर आप ऐसे भी प्रेस करोगे विंडोज की प्लस आर एक साथ तो ये आपका रन ऐसे आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सिर्फ CMD बस इतना लिख के ओके कर देना तो अगेन वही कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा. तो तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है. तो गाइस इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो. और अगर आपने देखा होगा तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ऑनलाइन लैपटॉप परचेस करते हो तो वो बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के आता है, तो उसमें सिर्फ इतना ही रहता है, ठीक है, जहाँ पे आपको यहीं पे जो करना है करो, ठीक है. तो ऐसा बेसिक रहता है. तो गाइस इसको फिलहाल देखिए, ये इस मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि क्या है, इसका यूज कैसे है और ये वेब डेवलपर्स को मोस्टली क्यों मतलब आना ही चाहिए, ठीक है. नॉर्मल जो आप यूज करोगे गाइस उनके लिए तो बहुत यूजफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल होगा जो एक वेब डेवलपर्स या जो भी प्रोग्रामर्स है, क्योंकि बार बार वो उनको क्या फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करके फोल्डर्स वो सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहीं पे ही आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जान सकते हो. अगर आप कॉलेज में पढ़ते तो ऑब्वियसली आपसे आपका मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस पूछता था कि आप कॉलेज के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओ, तो वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे. एंड आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा. एंड प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा एक बेसिक नॉलेज आ जाएगा, ठीक है. एंड नेक्स्ट टाइम आप जरूर इसी को ही यूज करोगे अगर आपको कुछ भी वर्क करना होगा. तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो बेसिक है कि आप थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका यूज कैसे करना है. जैसे ये अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे एकदम क्लियर दिख रहा, बट आई होप आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा. तो ऐसे चांस में अगर आपको फॉन्ट्स को इंक्रीज करना देन प्रॉपर्टीज पे जाइए, राइट क्लिक करके फॉन्ट का एक लेआउट आता है सिंपली 24-28 जितना आपको करना है कर दीजिए. तो इस तरीके से इसका फॉन्ट बड़ा हो जाता है, ठीक है. आप कलर भी चेंज कर सकते हैं लेकिन वो बहुत बेसिक में आ जाता है. हम उतना ज्यादा बेसिक भी नहीं देखेंगे, हम इंटरमीडिएट देखेंगे, ठीक है. तो देखिए सबसे पहले ये कि देखिए मैं ये जो क्या लिखा है वो दिखा देता हूँ. सी ड्राइव में हूं मैं, ठीक है. उसमें यूजर नाम का एक फोल्डर है, उसमें मैं विनोद थापा करके एक जो फोल्डर है उस पर अभी ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है. उसको देखने के लिए आप अपने आपको जाना है, अब दिस पीसी पे चले जाइए सिंपल. यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, देखिए सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वी, ठीक है. तो इसको हम ड्राइव बोलते हैं, वॉल्यूम भी बोलते हैं. तो सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर विनोद थापा, ऑलराइट गाइस. तो इस पे मैं एक्चुअली ये उसको शो कर रहा है. तो ये बेसिक है कि अगर आपसे किसी ने पूछा ये क्या लिखा है तो बेसिकली सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर विनोद थापा नाम का जो फोल्डर है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखिए विनोद थापा, ये उसका है, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये कि आपको अगर आपके सिस्टम के इन्फॉर्मेशन जानना है तो पहला कमांड क्या है, आपको लिखना होगा सिस्टम इन्फो, ठीक है. तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहला कमांड आपका सिस्टम इन्फो. सो यू हैव टू सिंपली राइट सिस्टम एंड डायरेक्ट इस तरीके से सिस्टम इन्फो लिख दीजिए. देखिए लोडिंग प्रोसेसर, ठीक है. तो गाइस ये थोड़ा सा टाइम, थोड़ा मीन्स हार्डली 10 सेकेंड इतना लेता है. तो आप देख सकते हो कि हमारा सारा जो सिस्टम का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है. जैसे देखिए मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज, ओएस का वर्जन क्या है, ऑब्वियसली विंडोज 10 है तो 10 ही होगा, ठीक है. देन माइक्रोसॉफ्ट स्टैंड अलोन रजिस्टर्ड ऑनर, जब आप अपना लैपटॉप अपना डेस्कटॉप कुछ भी लेते हो ऑपरेटिंग सिस्टम तो नाम जो होता है, तो देखिए यहाँ पे विनोद थापा नाम आ चुका है, ठीक है. उसी तरीके से मैं डेल का पीसी यूज कर लैपटॉप यूज करो तो डेल उसका वर्जन क्या है, प्रोडक्ट का आईडी, ये सब गाइस आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहला कमांड यही था कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करें कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है. एंड देन दूसरा देखिए गाइस, दूसरा हम देखेंगे कि वॉल्यूम, अभी जैसे मैंने आपको बताया था ये देखिए, इसलिए मैं आपको साइड बाय साइड ये वाला पेज भी दिखा रहा हूँ. ये जो होता है ना ड्राइव, इसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं, अगर आप बेसिकली न्यू वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, ठीक है. तो लेट से आपको जानना है कि आप किस वॉल्यूम पे वर्क करते हो, ठीक है. सो यू हैव टू सिंपली राइट VOL, ठीक है. ये तो ये हमारा दूसरा होगा. तो इस तरीके से लिखोगे, देखिए वॉल्यूम
इन ड्राइव सी हैज नो लेवल, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको बस इतना ही पता चल गया कि हम ड्राइव सी पे वर्क कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम तीसरा देखते हैं कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। वर्जन इन द सेंस, अब देखिए कैसे, इसको अगर मैं VER लिख के एंटर करता हूं तो ये जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो जो मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग, तो वो मेरा कौन सा वर्जन का है, इस वाले वर्जन का है। बहुत बार होता है ना कि गाइस अगर आपका ये कोई भी सिस्टम है जिसका अगर आपको वर्जन जानना हो, क्योंकि आपका कुछ प्रॉब्लम में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो आप जब आप कस्टमर सर्विस को कॉल करते हो तो वो पूछता है वर्जन कौन सा, तो उस समय आपको समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ। आपको सिंपली CMD ओपन करना है, VER लिख देना है, सिंपल भाई मेरा ये वाला वर्जन है, सिंपल। तो इस तरीके से आपका एक काम हो जाएगा, ठीक है। एंड देन दूसरा, ठीक है, अभी यहाँ फिलहाल आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट नीचे एक डेट एंड टाइम दिखता है, लेट्स से कि आपको अब डेट जानना हो, ठीक है, तो आप सिंपली डेट अगर लिख दोगे तो देखिएगा इसे आपका डेट लिख के आता है। अभी इसको फिलहाल एंटर कर दीजिए, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप अपना न्यू डेट भी लिख सकते हो, अगर आपको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका डेट हो, तो आप इस तरीके से डेट फॉर स्पेस फॉरवर्ड स्लैश और टी लिख दीजिए, तो आपका सिर्फ और सिर्फ डेट दिखाई देगा, ऐसे द करेंट डेट इज द एंटर द, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर आप टाइम लिखोगे तो आपको आपका टाइम आएगा एंड देन अगेन एंटर द न्यू टाइम। तो आप देखो गाइस ये भी एक कोडिंग की तरह ही है, ठीक है, मतलब एक बेसिक लेवल का कोडिंग जहां पे ऑलरेडी सब कुछ दिया है, हमें बस वो कमांड टाइप करके एंटर हिट करना है, हमें हमारा इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा, ठीक है। सो सेम टाइम के साथ भी अगर आप टाइम लिख के फॉरवर्ड स्लैश टी लिख दोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम आएगा, देखिएगा इस अभी 3:40 हो रहा है, ठीक है नाउ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक होता है ना एक डेवलपर या उस हद तक जाते तो कैसे जाना, देखिए अभी देखिए यहाँ से ये मेरा सी ड्राइव है, मुझे जाना है वी ड्राइव में, ठीक है, इस ड्राइव में जाके यहाँ पे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, समझ रहे हो। सकता है कि यहाँ से मुझे ऐसे न्यू में भी जाके आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन क्यों ऐसा करे, समझ रहे हो, इसमें कितना इजी, देखिए। तो आपको पता चला गाइस अभी हम सी में हैं, मुझे अब जाना है इस वाले ड्राइव में, वी ड्राइव में, तो कैसे, देखिए सबसे पहला तरीका यही है कि आप डायरेक्टली वी लिख दीजिए, ठीक है जी। आपको पहले ये जानना होगा कि आपके पास कौन कौन से ड्राइव है, देखिए दिस पीसी में एक सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई मीन्स ये बेसिकली मेरे DVD एंड देन वी। तो मेरे पास बेसिकली देखा जाए तो सी डी एंड वी, मुझे वी में जाना, तो आपको सिंपली वी लिखिए। अब देखिए अगर आप सिंपली वी लिख के एंटर करोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप वी एंड देन कॉलन, ठीक है, ये डॉट डॉट ऐसे कॉलन और एंटर करोगे, बूम गाइस देखिए आप वी ड्राइव पे पहुंच चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हमने क्या किया, हम सी पे वर्क कर रहे थे, अभी मैं जंप कर चुका हूँ वी ड्राइव पे, तो मैं आ गया हूँ वी ड्राइव पे, ठीक है, ये हमने स्टेप पार किया। अब मुझे जानना है कि मेरे वी ड्राइव में क्या क्या है, ठीक है, फोल्डर्स हम बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे, लेकिन पहले मैं देख तो लू कि जो मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ वो ऑलरेडी इस पे प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर आपको उस ड्राइव के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स या कौन कौन से डायरेक्टरी ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको जानने के लिए सिंपली DIR लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमारे जो वी ड्राइव है, जो वी एक वॉल्यूम है, उसके अंदर कौन कौन से डायरेक्टरी मतलब फोल्डर्स है, तो वो सब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मुझे एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम है थापा टेक्निकल, तो आप देख सकते हो गाइस कोई भी थापा टेक्निकल करके नहीं है नाम। और एक और बेस्ट पार्ट इसका कि गाइस ये बाय डिफॉल्ट एक आप देखिए ऑर्डर वाइज है, ये ए ए ए देन बी देन डी ऐसे करके ये ऑर्डर वाइज आ रहा है, तो वो बेस्ट पार्ट है। तो हमने देखा गाइस वी कॉलन लिखो तो हम ड्राइव पे मूव कर सकते हैं, एंड देन अगर हम सिंपली DIR प्रेस करते तो हम डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट, इतना हुआ। अब एक और काम ये कि जैसे गाइस मुझे देखना है ये, जैसे मैंने SAS का ट्यूटोरियल में बना रहा था, ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि ये SAS फोल्डर के अंदर क्या है, तो उसके लिए क्या करना गाइस, आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा CD चेंज डायरेक्टरी, इसके दो काम है, ठीक है, तो चेंज CD चेंज डायरेक्टरी। अब हमें डायरेक्टरी चेंज करना है, अब मुझे जाना है SAS के अंदर, तो मैंने लिखा S। और देखिए एक और मस्त भी है कि अगर आप सिर्फ टैब प्रेस करोगे तो ये देखिए गाइस ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है, तो मैं कर दूंगा एंटर, ऑलराइट। तो अब मैं वी ड्राइव, जो मेरा वी ड्राइव है, उसके SAS नाम के फोल्डर के अंदर आ चुका हूं। एंड देन अगेन आप इस तरीके से अगर DIR लिखोगे तो इसके अंदर आप देख सकते हो CSS और SAS नाम का एक फोल्डर है, ठीक है, 0 bytes सर ये सब उसका फाइल बता रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब हम एक ड्राइव पे मूव करते हैं और उस पर DIR लिखते हैं तो हमें ये सब दिखाई देता है उसके अंदर के फोल्डर्स या कंटेंट्स, ठीक है।
एंड देन अब अगर आपको उसमें एंटर करना हो इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर, तो आप सिंपली सीडी लिख के उसका नाम लिखोगे फोल्डर का नाम, तो आप उस पर एंटर हो जाते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पहले सिर्फ वी था, अभी वी बैक स्लैश सास। अब लेट्स से कि मुझे नहीं वी ड्राइव पे जाके एक अपना खुद का एक फोल्डर बनाना, तो क्या, तो गाइस आपको वापस जाने के लिए भी सेम सीडी ही लिखना है, क्योंकि आप डायरेक्टरी मतलब आप फोल्डर को आप चेंज कर रहे हो ना, चेंज डायरेक्टरी सास लिखा। अब उसी तरीके से सीडी या तो आप स्पेस देके भी डॉट डॉट लिख सकते हो, नहीं तो आप सिंपली डॉट डॉट लिख के अगर एंटर हिट करोगे बूम गाइस देखिए आप वी ड्राइव पे वापस आ चुके हो, ठीक है। एंड देन नाउ वी विल सी कि हम एक न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए गाइस आपको सिंपली लिखना होता है, देखिए डायरेक्टरी यहाँ पे मोस्टली हम फोल्डर नहीं डायरेक्टरी बोलते, ठीक है, कि मेक मतलब एम के डायरेक्टरी, सो एम डी आई आर मेक डायरेक्टरी, ठीक है, सो एम के डी आई आर। और इस तरीके से हमने बोला एक डायरेक्टरी बनाओ, मेक डायरेक्टरी, नाम दे दो थापा टेक्निकल, ठीक है, थापा टेक्निकल इस तरीके से नाम दे दिया। ऑलराइट, इसको मैंने एंटर हिट किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कहीं पे भी थापा टेक्निकल नहीं दिखाता टी में, अभी मैंने एक नया बना चुका है, एक नया फोल्डर क्रिएट किया, एक नया डायरेक्टरी मैंने क्रिएट किया, तो उसको देखने के लिए अगेन डी आई आर लिखना है इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो थापा टेक्निकल, तो इस तरीके से एक फोल्डर बन चुका है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए गाइस थापा टेक्निकल अंदर बिल्कुल खाली है, ठीक है। ऑलराइट, अब वापस मुझे थापा टेक्निकल के अंदर जाना है, मुझे थापा टेक्निकल के अंदर जाना है, तो सेम अगेन सीडी थापा, अब मैं शिफ्ट एच लिख के टैब प्रेस किया मैंने एंटर। ऑलराइट, अब क्या करना है गाइस, मुझे एक फाइल क्रिएट करना है। तो देखिए अगर आप सोच रहे कि एम के डी आई आर लिख के करोगे तो ये नहीं बनेगा, बिकॉज ये एक डायरेक्टरी बना रहा है, फाइल नहीं बना रहा है, ठीक है। सो फाइल बनाने के लिए क्या, सो गाइस फाइल बनाने के लिए कमांड टाइप आपको लिखना है नल, मतलब उसका टाइप कैसा होना चाहिए, एकदम एम्प्टी, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको डैश नहीं देना है, ये ग्रेटर देन का सिंबल देना है गाइस। एंड देन सिंपली आपको फाइल का नाम लिखना है, मैं लिख देता हूं सीएमडी डॉट, और उसका एक्सटेंशन जरूर दीजिए डॉट टीएक्सटी, आप चाहते हो डॉट एचटीएमएल, डॉट सीएसएस, जेएस कुछ भी दे दीजिए, अभी फिलहाल मैं टीएक्सटी दे देता हूँ, सीएमडी डॉट टीएक्सटी। ऑल राइट, सीएमडीएस कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने एंटर हिट किया। ऑल राइट, यहाँ पे आप एक चीज ये नोटिस करोगे कि हम अगर गिटहब या गिट या गिट बैस यूज करते हैं वहां पे कुछ पता चलता है, यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चलता सिंपली, बट एक्चुअल में वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो अभी मैं डी आई आर क्लिक करता हूँ, तो देखिए गाइस सी एम डी एस डॉट टी एक्स टी, ये फाइल अभी मैंने बनाया, यहाँ पे भी आप देखोगे थापा टेक्निकल के अंदर एक फाइल आ चुका है, उस समय फाइल नहीं आया था रिफ्रेश, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक ड्राइव के अंदर घुस के उसके फोल्डर्स को चेक करके उसके अंदर एंटर करके भी बाहर आए, फिर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, नाउ हमने एक फाइल क्रिएट किया, ठीक है गाइस। अभी देखो हमने एक फाइल क्रिएट किया, ठीक है। अभी लेट्स से आपको क्या याद आया, नहीं यार ये फाइल का नाम तो मुझे ये नहीं चाहिए था, समझ रहे हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रीनेम। तो वो रीनेम कैसे करोगे गाइस, आप समझ रहे हो। सो आपको अगर रीनेम करना है देन आपको बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू हैव टू सिंपली राइट आर ई एन, या तो पूरा का पूरा रीनेम ही लिख दीजिए। आपको फिर वो फोल्डर वो फाइल का नाम लिखना है जो आपने पहले लिखा था, जिसको आपको चेंज करना है। सो रीनेम आपको इस तरीके से लिखना है, खाली रीनेम आर ई एन फाइल का नाम। अब आप इस तरीके से सी एम डी डॉट टी एक्स टी लिख के एंटर हिट कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे क्या सी एम डी एस था ना, सो इफ आई विल राइट डी आई आर चेक करने के लिए, तो आप देखोगे सी एम डी। तो गाइस इस तरीके से हमने रीनेम किया, हमने रीनेम कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक और फाइल बनाने के लिए अगेन वही टच लिखना है। अब देखिए अगर आप एरो आप अगर कीबोर्ड से वर्क कर रहे हो तो गाइस तो इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर आप कीबोर्ड पे देखोगे तो टॉप डाउन बॉटम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो जो टॉप वाला होता है ना एरो उस पर क्लिक करोगे तो देखिए अभी तक हमने जो जो कमांड लिखा वो अपने आप आता है। तो मुझे तो एक फाइल बनाना ना, तो इस फाइल पे मैं वापस जाऊंगा, सिंपली ये सी एम डी एस के बदले मैं लिख दूंगा डेमो डेमो डॉट टी एक्स टी। इस तरीके से गाइस मैंने एक और दो फाइल बना चुका है, ठीक है, मैंने दो फाइल बना लिया। अब मुझे ठीक है ये जो सी एम डी डॉट टी एक्स टी इस पे मुझे कुछ लिखना है, लेकिन मुझे जाना नहीं है किसी भी जगह पे, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट जब फर्स्ट टाइम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का खरीदते तो वो कुछ इस तरीके से ही मिलता है। तो लेट्स से आपको अब इस फाइल पे लिखना है तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो लिखने के लिए गाइस बहुत तरीके, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको लिखना है नोट पैड, क्योंकि नोट पैड बाय डिफॉल्ट रहता ही है हमारे विंडोज में, ठीक है।
आपको नोटपैड लिखते हैं, देन आपको उस फाइल का नाम लिखना है जिसपे आपको वर्क करना है. सो नोटपैड डॉट टीएक्सटी, इस तरीके से आप एंटर करोगे, बूम यहाँ पे आप लिख दीजिए. आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, आप लिख दीजिए जैसे वेलकम लिख दीजिए, ठीक है, वेलकम टू माई चैनल, आप कुछ भी इस तरीके से लिख दीजिए. ऑल राइट, इस तरीके से हमने लिखा इसको. आपको क्या खाली खाली कंट्रोल एस दबाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेव है ना एक नाम से, तो है कि नहीं. सो आप, मैंने कंट्रोल एस सेव कर दिया, ठीक है. तो हमने ये देखा कि हम कैसे डायरेक्टली सीएमडी के थ्रू ही किसी भी पेज को एडिट कर सकते हैं, ठीक है. तो अब आपको क्या करना है कि गाइस, ये जो अभी आपने लिखा, आपको याद है ये तो सेम मुझे डेमो वाले पे भी लिखना था, तो कैसे? तो मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को नया कमांड सीखने मिलेगा, ठीक है. तो ये हमने नोटपैड ये ओपन किया और लिखा, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो भी इस पेज पे है, सीएमडी वाले जो भी पेज में लिखा है, मुझे डिट्टो वो इस पेज पे चाहिए. मीन्स मुझे कॉपी करना है इन शॉर्ट, ठीक है, मुझे कॉपी करना है. तो कॉपी के लिए क्या गाइस, तो आपको लिए इस पे कमांड है कॉपी, ठीक है. सिंपली कॉपी लिखे सीएमडी डॉट टीएक्सटी, इस तरीके से आपको लिखना है. डॉट टीएक्सटी आपने लिखा, ठीक है. देन आपको उस फाइल का नाम लिखना है जिसपे आपको उसको कॉपी करना है. सो डॉट टीएक्सटी एंटर किया, देखिए क्या लिखा है. ओवरराइट, क्या आपको ओवरराइट करना है? यस यस टू ऑल, ठीक है. ऑल राइट, ठीक है. वन, देखिए फर्स्ट टाइम आए इतने सारे कमांड हमने लिखे, लेकिन अब जाके पहली बार एक कमांड आया जिसपे ये बताया गया है कि ठीक है एक फाइल कॉपीड हो चुका है, ठीक है. और उसके लिए हम क्या करें, अब देखिए देखने का एक और तरीका, डेमो डॉट टेक्स्ट में जाएंगे, बूम गाइस देखिए वेलकम टू माय चैनल, जो कि मैंने सीएमडी में लिखा था वो इस पे भी आ चुका है, ठीक है. अगर आप यहाँ पे भी अगर सेम उसी तरीके से नोटपैड, हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर जाके इस तरीके से डेमो करके लिखोगे तो वो आपको दिख जाएगा, देखिए वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि वो हमने चेक कर लिया था, है कि नहीं. तो गाइस इस तरीके से हमने इतना कुछ देख चुका है, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है. अब लेट्स से कि गाइस आपको डिलीट करना है ये डेमो वाला, ठीक है भाई, मैंने कॉपी कर लिया, मेरा मन भर गया, अब मुझे इसको डिलीट करना है. तो गाइस डिलीट के लिए आपको सिंपली राइट डेल, एंड देन आपको फाइल का नाम लिखना है डेमो डॉट टी एक्स टी और एंटर हिट कर दो, तो ये डिलीट हो जाता है. आप चाहे तो इरेज भी लिख सकते हो, ठीक है, ई आर ए, इस तरीके से बात इरेज भी लिख सकते हो. स्कूल में हम इरेजर से मिटाते हैं ना, तो उसी तरीके से इरेज भी लिखो या तो डेल लिखो, दोनों के दोनों वर्क करते हैं. अब ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक और फोल्डर बनाता हूँ, उसमें हम ये देखेंगे कि मूव कैसे करना है. अब मैं एक फोल्डर बनाता हूँ इस तरीके से, मैं एक डायरेक्टिव, मैंने आपको स्टाइल, ठीक है. अगर आप एक वेब डेवलपर हो, ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब आप सीएसएस लिखते हो मोस्टली सीएसएस का एक फोल्डर बनाते हो, उसके अंदर जाके आप स्टाइल डॉट सीएसएस नाम का फाइल बनाते हो. लेकिन मैंने क्या कर दिया गलती से, मैं क्या करूंगा गाइस, जहां पे मैंने मेरा फोल्डर बनाया है वहीं पे ही मैं अपना फाइल बना दे रहा हूँ, ठीक है. फिर उसको मुझे मूव कैसे करना वो मैं दिखा, तो देन आप लिखोगे इस तरीके से स्टाइल डॉट सीएसएस. ऑल राइट, आप देख सकते, ऑल राइट गाइस, टच सॉरी ऐसे टच नहीं लिखना, आपको लिखना है टाइप, ठीक है, टी वाई पी टी लिखना है. आप इसको इस तरीके से हटा के नल एंटर कर दीजिए, ठीक है. तो अब हम अगर डी आई आर लिखता हूं, तो आपको मालूम है मैंने डेमो नाम का फाइल हटा दिया था, तो सीएमडी बाय डिफॉल्ट है. एक मैंने फोल्डर बनाया सीएसएस का, एंड देन उसके बाद मैंने फाइल बनाया. अब मैं क्या चाहता हूं कि यार सीएसएस फोल्डर के अंदर मुझे स्टाइल डॉट सीएसएस चाहिए था, ना कि दोनों साथ में. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पेज को इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. वो इंसर्ट हम इस सीएमडी के थ्रू कैसे कर सकते हो, देखिए इन शॉर्ट में आपको बताऊं, आपको अब करना पड़ेगा मूव, ठीक है, इसको इसके अंदर मूव करा दीजिए सिंपल सा. तो वो देखिए मूव में जो बोल रहा हूं, तो कमांड भी वही है कि आपको सिंपली मूव कराना है, तो आपको मूव लिखना है सिंपली, ठीक है. तो उसको कैसे लिखोगे, देखिए गाइस सिंपली उसके लिए गाइस आपको लिखना है मूव. अब यहाँ पे आपको वो लिखना है जिसको आपको मूव कराना है, मुझे स्टाइल डॉट सी एस एस को मूव कराना है किसमें, सी एस एस नाम के फोल्डर के अंदर. तो इस पेज को हम इस फोल्डर के अंदर मूव करे, तो मैंने इस तरीके से एंटर, ऑल राइट एंटर हिट किया, तो ऑल राइट गाइस अगेन एक हमें आया जिसमें बताया गया सिंपली वन फाइल्स मूव्ड. ऑल राइट, तो अब हम डी आई आर चेक करते हैं. डी आई आर चेक, आप देख सकते हो सीएमडी और सी एस एस, यहाँ पे ऊपर में क्या था सी एस एस के नीचे स्टाइल डॉट सी एस एस था, अभी वो नहीं दिख रहा. वो क्यों? क्योंकि सी डी लिखूंगा और मैं सी एस एस के अंदर एंटर किया मैंने. अब यहाँ पे जाके अगर मैं चेक करूंगा तो जाके मुझे स्टाइल डॉट सी एस एस दिखाई देगा. तो गाइस इस तरीके से हमने देखा कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, ठीक है. तो अब एक और सिंपल सा भी दिखाता हूँ कि अभी तो ठीक है, मैं फिलहाल स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं ऊपर नीचे आराम से जा रहा हूँ, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्क्रॉल नहीं कर सकते पहले वाले वर्जन में, तो वहां पे आपको क्या लिखना था, खाली सी एल एस. अगर आप सिंपली सी एल एस लिख देते ना क्लियर स्क्रीन, तो देखिएगा पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है. सी एल एस क्लियर स्क्रीन लिखने पर पूरा क्लियर हो जाता है.
एंड वन मोर थिंग, देखिए गाइस अभी मैं वापस बैक आता हूँ, और बैक आने के बहुत सारे तरीके, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्टली वी ड्राइव पे आना तो कैसे, क्योंकि दो दो है, सी डी डॉट डॉट लिखूंगा तो सिर्फ सी एस एस के बाहर जाऊंगा, ठीक है, मतलब थापा टेक्निकल पे आ जाऊंगा, लेकिन मुझे वी पी ए के साथ जाना तो आपको ऐसे सी डी डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट, इट मीन्स एक फोल्डर के बाहर दूसरे के बाहर, मतलब मैं आ गया वी पे, ठीक है। अभी वापस मुझे थापा टेक्निकल पे जाना है, ठीक है, सॉरी इसको हटा देता हूँ, मुझे टैब प्रेस करना था इस तरीके से, देखिए थापा टेक्निकल, ऑल राइट, सॉरी गाइस, मुझे लिखना पड़ेगा सी डी देन थापा टेक्निकल, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मैं वापस इसके अंदर आया। एक और सिंपल सा है गाइस, अगर आपको ये जानना है कि आपने अपने फाइल के अंदर क्या कंटेंट लिखा है, अगर उसको देखना हो तो देखिए गाइस, इसको मैं फिर से डी आई लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपली, तो इस तरीके से आपका सी एम डी डॉट टी एक्स टी हमारे पास ये फाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा है उसको देखने के लिए आपको सिंपली आपको लिखना पड़ेगा टी वाई पी ई टाइप देन सी एम डी डॉट टी एक्स टी, और आप अगर एंटर हिट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है वेलकम टू माई चैनल, जो कि हमने लिखा था, आपको अगर याद होगा तो हमने लिखा था नोट पैड इस तरीके से। मैं अगर यहाँ पे लिख के सी लिख के करता हूँ तो आप देखिए वही सेम मुझे वेलकम टू माई चैनल दिखाई देता है। तो सिंपली आपको सी एम डी के अंदर ही देखना है कि आपका क्या कंटेंट है उस फाइल के अंदर, तो आपको सिर्फ टाइप सी एम डी डॉट टी एक्स टी लिखना पड़ता है। अब मैंने अभी तक एक कमांड आपको नहीं बताया, वो ये था कि लेट्स से मुझे ये अब ये सी एस एस वाला फोल्डर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सिंपली नहीं चाहिए, मीन्स नहीं चाहिए, तो कैसे, हमने हमने सब कुछ देख चुका है, हमने नहीं देखा तो इस फोल्डर को कैसे हटाऊं मैं गाइस। अगर आप डेल सी एस एस लिखोगे तो देखिए क्या होता है, आर यू सियर लिखा है, आपको लिख देना है यस, ठीक है। अभी मैं अगर डी आई आर लिखता हूं तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भले ही पूछा है कि आर यू सियो, अब मैंने लिख दिया यस, तो उसके बाद भी गाइस सी एस एस फोल्डर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि ये सी एस एस फोल्डर मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो डिलीट हुआ होगा ना, तो उसके लिए मैं सी एस एस में जाऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कुछ जो हमने पहले स्टाइल डॉट सी एस एस डाला था वो है या नहीं, तो आपने देखा गाइस क्या हुआ, यही इसलिए मैंने जानबूझ के आपको पहले दिखा कि अगर आप ये सोचते हो कि हम सिंपली डेल या इरेज लिख के कर देंगे तो नहीं होता था। एक्चुअली डेल और इरेज यूज होता है फाइल्स को रिमूव करने के लिए, फाइल्स को डिलीट करने के लिए, ना कि फोल्डर को, ठीक है। जिस तरीके से एम के डी आई आर यूज होता है डिलीट, आई मीन क्रिएट करने के लिए, उसी तरीके से वैसा ही सेम टू सेम एक कमांड है जिससे हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाले मैंने फोल्डर को डिलीट करने के लिए लिखा, उसने सिर्फ उसके फाइल्स को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे जो पूछा गया था आर यू श्योर, क्योंकि मैंने डेल लिखा था, तो यहाँ पे साफ लिखा गया, देखिए सी एस एस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है, स्टार मीन जितने भी फाइल्स है उनको डिलीट करो इसलिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आप मुझे ये सी एस एस फोल्डर को भी डिलीट करना है, तो पहले मैं बाहर चले जाता हूँ, ठीक है। देखिए स्पेस देके डॉट डॉट लिखा तो भी मैं बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे इस वाले फाइल को डिलीट करना है, इस वाले फाइल को डिलीट करने के लिए देखिए क्या लिखना है गाइस, रिमूव डायरेक्टरी, हमने पहले मेक किया था, अब मुझे इसको रिमूव कर देना, नहीं चाहिए, देन सिंपली सी एस एस लिख दीजिए, बूम गाइस, देखिए कितना सिंपल था, ठीक है। तो ये गाइस अगर आपने इतना भी सीख लिया दिस इज इनफ, बहुत है ये। अगर आप नेटवर्किंग फील्ड से हो देन ये इनफ हम नहीं बोल सकते, क्योंकि नेटवर्किंग फील्ड वालों के लिए आईपी कॉन्फिग पता नहीं पिंग बहुत कुछ आता है, ठीक है। और हाँ चलिए ठीक है, इतना था बेसिक, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत सारे लोग पिंग जो करते हैं उसका मतलब क्या होता है, खाली नेटवर्क चेक करने के लिए कि आपका प्रॉपर नेटवर्क चल रहा है, यानी जो आप मैसेज भेजना चाह रहे हो पा रहा है, यानी मतलब वो पर्टिकुलर वो सेंड हो रहा है कि नहीं पैकेट्स, ठीक है। तो अगर आप पिंग गूगल, ठीक है, सो गूगल डॉट कॉम इस तरीके से लिख दोगे और एंटर हिट करोगे तो देखिएगा इससे ये पता चल रहा है कि मेरा जो ये नेट जो भी है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखिए मैं अगर चार पैकेट को सेंड कर रहा हूँ तो वो गूगल को उतने जाके मिल भी रहा है, कोई 0% लॉस नहीं हो रहा है, मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि जब आप कॉलेजेस में जाते हो या कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन करने जाते हो तो आपका या तो वो आईपी एड्रेस पूछता है या तो मैक एड्रेस पूछता है, ठीक है। आईपी एड्रेस तो अब चेंज होते रहते हैं लेकिन मैक एड्रेस तो एक ही रहेगा ना, समझ रहे। तो उसको जानने के लिए क्या गाइस, अगर आपको सिर्फ मैक एड्रेस अगर आपको पता लगाना है तो देन गाइस देखिए उसका कमांड आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको सिंपली लिखना होगा आईपी कॉन्फ़िग। तो आप सिंपली अगर आईपी कॉन्फ़िग लिखोगे इस तरीके से CON, ठीक है, मतलब आपका जो आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको जानना है, फॉरवर्ड स्लैश अगर ALL ऑल लिख दोगे तो गाइस इतने सारे कनेक्शन आते हैं, ठीक है। तो इसमें से गाइस आपको मेजर, मैं आपको जो बताना चाहूंगा
कि जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है ना उसी को ही हम मैक एड्रेस बोल सकते हैं, ठीक है, उसी को ही बोलते हैं, बोल सकते फिजिकल एड्रेस जो दिखाई दे रहा है ये मेरा मैक एड्रेस नहीं। तो ये अब आपको देखना है कि आपका एक्चुअल वाला मैक एड्रेस कौन सा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको लोकल एरिया कनेक्शन वन पहला वाला, तो ये मेरा है मैक एड्रेस। तो इस तरीके से गाइस हम अपना मैक एड्रेस को चेक कर सकते हैं। तो जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है ना गाइस वो आपका मैक एड्रेस कहलाता है, जो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक दो और टोटल कितने, एक दो तीन, एक दो तीन, तो टोटल 6 मतलब 12 डिजिट के होते हैं, दो दो के पेयर में, तो वो आपका मैक एड्रेस कहलाता है। सिंपली इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो बाय सिंपली राइटिंग आईपी कॉन्फ़िगरेशन फॉरवर्ड स्लैश ऑल, ठीक है। तो आपने पिंग देखा, तो गाइस इतना भी अगर आपने सीख लिया ना एज अ बिगिनर या इंटरमीडिएट, अगर आप नेटवर्किंग फील्ड से मतलब रिलेट नहीं करते हो, देन दिस इज मोर देन इनफ, आप अपना सारा वर्क इजीली कर लोगे। सो आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना गाइस, प्लीज इसको अपने सारे दोस्तों को भेज दीजिए, बिकॉज जितने भी लोग कंप्यूटर यूज करते ना उनके लिए ये मस्ट है, मस्ट मतलब आना ही चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि अगर कोई थोड़ा सा भी इसमें वर्क कर दे तो वो अच्छा ही दिखता है, समझ रहे हो। और ये बहुत यूजफुल है, कौन बार बार फोल्डर पे ही जाके राइट क्लिक करके वो करेगा, है कि नहीं। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने इतना कुछ देख लिया, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देता है उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर आपको कुछ डाउट हो या अगर आपको और किसी और वीडियो पे और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जानना हो तो आप जरूर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी उस पर जरूर वीडियो क्रिएट करूंगा, ठीक है। सो टिल द, और हाँ मेन आपका समझाना था, कुछ डाउट हो तो इस वीडियो के रिगार्डिंग भी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच।